हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं 5 गेमिंग लैपटॉप्स लेके आया हूँ। ये 30,000 से लेके 50,000 के बीच में होने वाले हैं और ये बिल्कुल एंट्री लेवल से लेके हाई लेवल तक की आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर हमारा एंट्री लेवल लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, एस्पायर 3। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है और राइजन 3 का 3250U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है। वेगा 3 के आपको इसमें ग्राफिक्स मिल जाएंगे और इसकी प्राइस 28,990 रुपये है। और आप इसमें कुछ ऑफ़र्स भी चल रहे हैं तो ऑफ़र्स लगा के ये 25,000 रुपये के आसपास में आपको ये पड़ जाएगा, जिसमें आप हल्की फुल्की एडिटिंग और गेमिंग आराम से कर सकते हैं अगर आप 30,000 के अंडर में कोई लैपटॉप देख रहे हैं तो। तो फ्रेंड्स, आप 35 से 40,000 के अंडर में कोई लैपटॉप देख रहे हैं और थोड़े अच्छे लेवल की एडिटिंग और गेमिंग करना चाहते हैं तो आसूस की तरफ से वीवो बुक 14 आता है। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। और सीपीयू इसमें राइजन 5 का 3500U मिल जाता है, जो आपको गेमिंग और एडिटिंग थोड़ी अच्छे लेवल पर करवा देगा। रैम इसमें आपको 8GB की मिल जाती है और वेगा 8 इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 512GB की इसमें SSD मिल जाती है और इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिलते हैं, जिससे आप थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग मिलेगी लैपटॉप में तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, 50,000 के अंडर में MSI का GF63 थिन लैपटॉप निकल कर आता है और इसमें आपको स्क्रीन साइज 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है। इसमें आपको, अगर आप इंटेल की तरफ से लैपटॉप देख रहे थे तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंटेल का इसमें i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आपको NVIDIA का GTX 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो मतलब गेमिंग और एडिटिंग में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें आपको 8GB की इसमें DDR4 3200MHz की रैम मिल जाती है और 512GB की इसमें आपको NVMe SSD भी देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको 48,000 के आसपास का मिल जाएगा, लेकिन इसमें आप कुछ ऑफर्स लगा के और भी प्राइस कट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले आखिरी लैपटॉप की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 4-5 हज़ार रुपये थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे आपको एसर का एस्पायर 5 गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। इसमें आपको फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की और इसमें आपको RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको इंटेल की तरफ से आने वाला i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। तो दूसरी बड़ी बात, इसमें आपको NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 5020 4GB का ग्राफिक आपको देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग और एडिटिंग में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक अच्छी खासी आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। और इस स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 512GB की NVMe स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसे आप 2 टेराबाइट तक आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है, 3200MHz की DDR4, तो उसे भी आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कौन सा लैपटॉप पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट डील और अच्छी अच्छी डील्स देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।